हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेसलिंग बादशाह। मैं हूँ यश। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन सा बड़ा पंगा हुआ है बिटवीन कोल्डबर्ग द ट्राइबल चीफ यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस एंड डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियन ड्रू मैकइंटायर। दोस्तों, जैसे आपको पता है कि डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियन ड्रू मैकइंटायर एंड यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस के बीच में कितना बैड ब्लड था एंड स्टिल बैड ब्लड है, बट इसमें ऐड हो चुकी है कोल्डबर्ग। तो आखिर क्या पंगा है इन तीनों बड़े सुपरस्टार्स का, ये सारी बातें हम करेंगे इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप इसे एंड तक ज़रूर देखिए। और दोस्तों, आप हमारे चैनल रेस्टिंग बात शो को सब्सक्राइब करिए एंड सब्सक्राइब बटन के बाजू में जो बेल आइकन है वो प्रेस करके ऑल पर क्लिक करिए ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। दोस्तों, फर्स्ट बात करते हैं TLC के बैटिंग ऑर्डर्स के बारे में। TLC के लिए कुछ मैचेस बुक होते हुए हमें दिखे हैं और दोस्तों, दो मैच के बैटिंग ऑर्डर्स आ चुके हैं जो हम डिस्कस करेंगे अभी। उसमें से फर्स्ट मैच है नाया जैक्स एंड शेना बैसलर वर्सेस आस्का एंड लाना फॉर विमेंस टैग टीम चैंपियनशिप्स। अब दोस्तों, इस पूरी फ्यूड में लाना को ऐसा अंडरडॉग WWE पोर्ट्रे कर रहे हैं एंड इट सीम्स लाइक लाना विक्टोरियस रहने वाली है TLC में, क्योंकि अब तक के बैटिंग ऑर्ड्स यही सजेस्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आस्का एंड लाना की जो टीम है वो फेवरेट्स है बैटिंग ऑर्ड्स में, जो जीत सकती है ये मैच एंड बन सकती है न्यू विमेंस टैग टीम चैंपियंस। और जो नेक्स्ट मैच जिसकी बैटिंग ऑर्ड्स आई है वो है रैंडी ऑर्टन वर्सेस द फीन्ड। ये राइवलरी भी काफ़ी धमाकेदार चल रही है और ये मैच काफ़ी अच्छी हो सकती है। यहाँ पर दोस्तों, फीन्ड फेवरेट है ये मैच जीतने के लिए एज पर टुडेज बैटिंग ऑर्ड्स। सो लेट्स सी हु विंस दिस बैटल एंड आने वाले टाइम में बाकी के मैचेस के क्या होते हैं बैटिंग ऑर्ड्स। चलिए अब बात करते हैं मेगा अपडेट के बारे में जो जरूरी है कोल्डबर्ग, रोमन रेंस एंड ड्रू मैकइंटायर से। दोस्तों, फर्स्ट बात करते हैं ड्रू मैकइंटायर के तगड़े शॉट्स के ऊपर ऑन रोमन रेंस। आपने देखा ही होगा कि सर्वाइवर सीरीज में रोमन रेंस एंड ड्रू मैकइंटायर की काफ़ी तगड़ी मैच हमें देखने मिली थी, जहां पर रोमन रेंस ने हरा दिया ड्रू मैकइंटायर से वाया लो ब्लो एंड ड्रू मैकइंटायर को सबमिशन से पास आउट करा दिया था। यहां पर रोमन रेंस ने एक हील मूव यूज़ किया, मतलब रोमन रेंस एंड ड्रू मैकइंटायर दोनों प्रोटेक्टेड रहे इस मैच में। इसी के ऊपर ड्रू मैकइंटायर ने काफ़ी तगड़े शॉट्स लिए हैं रोमन रेंस पर। कल ड्रू मैकइंटायर WWE के द बम्प शो पर आए थे, जहाँ पर उन्होंने बहुत ही बड़े शॉट्स लिए ऑन रोमन रेंस। ड्रू ने ये कहा कि जब वो कंपनी में वापस आए आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, तभी उन्होंने देखा कि रोमन रेंस कितने इवॉल्व हो चुके हैं। और ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप रिंग में कितने अच्छे हो, आप रिंग के बाहर भी उतने अच्छे होने चाहिए एंड आपको इनसाइड द रिंग एंड आउटसाइड द रिंग नंबर वन गाय बनना होगा। और ये जो है वो है 24/7 365 days a year। और रोमन रेंस ने ये करके प्रूव किया है और मैंने हार्ड वर्क किया है ये टॉप स्पॉट अर्न करने के लिए, और अभी करेंटली मैं अपने गेम पर टॉप पर हूँ, पर रोमन रेंस ने मुझे लाइटली लिया है। अभी पॉल हेमन ने रोमन रेंस का दिमाग ख़राब कर दिया है, पर मुझे लगता है कि रोमन रेंस फिर से होश में आएंगे और वो वाले रोमन रेंस बनेंगे जिसे मैं जानता हूँ, क्योंकि अभी रोमन रेंस एक पीस ऑफ क्रैप है टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि उनका जो एटीट्यूड है अभी रिसेंटली वो काफ़ी ख़राब है। पर वो रिंग में अपना काम एकदम ज़बरदस्त तरीके से करते हैं और वो काफ़ी एंटरटेनिंग है टू वॉच। तो दोस्तों, ये था बड़ा स्टेटमेंट ऑफ ड्रू मैकइंटायर, जो है हमारे WWE चैंपियन और यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस। इस पर दोस्तों, रोमन रेंस ने अब तक रिप्लाई नहीं किया है, पर दोस्तों कल बम शो पर आए थे कोल्डबर्ग और कोल्डबर्ग ने एक टाइप से चैलेंज कर दिया है रोमन रेंस को। कोल्डबर्ग ने यह कहा कि रोमन रेंस की मैच मेरे साथ होने वाली थी, पर रोमन रेंस ने एंड मोमेंट पर बैकआउट कर लिया था उस रेसलमेनिया ड्रीम मैच से। उसने मेरा मूव स्पीयर यूज़ किया गॉड नोज कितने टाइम पहले, और वो मेरा मूव परफॉर्म कर रहे हैं एकदम सब पार लेवल पर। और यहाँ पर मैं एक बात पूरे ऑनेस्टी के साथ कह सकता हूँ कि सबसे बेस्ट स्पीयर जो है वो मैं ही परफॉर्म करता हूँ, और ये रोमन रेंस बात नहीं समझ रहा है, और इसलिए ये बात समझने के लिए रोमन रेंस को मेरे से स्पीयर खाना होगा। तो फिर रोमन रेंस, मैं तुम्हारे लिए आ रहा हूँ। भले ही मैं थोड़ा सा बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरे बाल हैं वो सफ़ेद हो चुके हैं, बट स्टिल मैं कोल्डबर्ग हूँ। और दोस्तों, ये जो स्टेटमेंट था कोल्डबर्ग का, इसको फ्यूल दिया है फायर में WWE ने ये जो कोल्डबर्ग का स्टेटमेंट है, सो रोमन इट्स कमिंग एंड आई एम कमिंग फॉर यू, वो पोस्ट किया है ऑन ट्विटर
और जो गोल्डबर्ग एंड रोमन रेंस का कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग वाला सेगमेंट था वो वाला पिक डाला है। मतलब दोस्तों ये मैच होने ही है डाउन द रोड। और गोल्डबर्ग के इस कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट के ऊपर रोमन रेंस ने रिएक्ट किया है। रोमन रेंस ने ये कहा है कि मैं कभी लाइन में वेट नहीं करता, मैं यहाँ पर अट्रैक्शन हूँ और मैं चूज करता हूँ कि कौन है नेक्स्ट, और अभी जो नेक्स्ट है वो है केविन ओवंस #WWE TLC #Island of Relevancy। तो यहाँ पर गोल्डबर्ग एंड रोमन रेंस तगड़े शॉट्स एक्सचेंज कर रहे हैं दोस्तों। सो इट्स वेरी मच क्लियर कि हमें ये जो ढासु ड्रीम मैच है जो होने वाली थी इस साल के रेसलमेनिया 36 में वो हो सकती है बहुत जल्द। पर दोस्तों यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगा, दोस्तों जब से गोल्डबर्ग ने यह अनाउंस किया है कि ही इज कमिंग आफ्टर रोमन रेंस एंड दैट टाइटल, तब से गोल्डबर्ग को काफ़ी हेट करने लगे हैं लोग फिर से। और ये लोग और कोई नहीं AEW के फैंस और यहाँ के सस्ते वाले स्मार्क्स हैं। तो मैं यहाँ पर यह कहना चाहता हूँ कि AEW में अगर 61 ईयर ओल्ड के स्टिंग जाकर आगे फ्यूचर में रेसल कर सकते हैं ये बात उनको चलती है, बट गोल्डबर्ग वापस आते हैं WWE में जो 50s में है वो आकर एक मैच देते हैं या फिर एक ज़बरदस्त सेगमेंट में आते हैं ये उन्हें नहीं चलता है। वहाँ पर स्टिंग को प्रेजिस मिलती है, यहाँ पर गोल्डबर्ग को हेट मिलता है, तो ऐसा डबल स्टैंडर्ड क्यों है? ये इसलिए क्योंकि स्टिंग वहाँ पर अगर आगे जाके रेसल करते हैं तो वो रेसल करेंगे उनके फेवरेट स्टार से, और मेन मतलब स्टिंग AEW में अभी है जो है स्मार्क्स की फेवरेट कंपनी, और गोल्डबर्ग जो है वो काम कर रहे हैं विंस के लिए WWE के लिए, इसलिए गोल्डबर्ग को हेट करो। अगर यही स्टिंग WWE में आते और अंडरटेकर से मैच करते तो स्टिंग को ये लोग काफ़ी बुरा भला कहते और ये कहते कि तुम्हारी स्पाइन ऑलरेडी डैमेज है तो तुम क्यों फाइट कर रहे हो, और मेन तो ये कहते कि तुम 61 ईयर्स के हो तुम क्यों फाइट कर रहे हो। बट जस्ट बिकॉज स्टिंग AEW में है इसलिए स्टिंग को प्रेज मिल रहे हैं, और आगे जाकर स्टिंग फाइट करेंगे किसी के साथ तो ये उन्हें चलेगा, इसके लिए वो काफ़ी हैप्पी है बट गोल्डबर्ग के लिए हैप्पी नहीं है। तो दोस्तों ऐसे भेदभाव वाले कमेंट्स या ओपिनियन आपको दिखे तो आप उन्हें ठोक देना विद लॉजिक एंड विद फैक्ट्स। अगर कोई ये सोच रहा होगा कि स्टिंग WWE में ना रहकर AEW में गए हैं तो मुझे स्टिंग पर गुस्सा नहीं बल्कि दया आ रही है, क्योंकि स्टिंग यहाँ पर रेसल करने वाले थे अंडरटेकर के साथ, बट वहाँ पर वो रेसल कर सकते हैं डार्बी एलन या फिर किसी और के साथ, जो कि कितना लेवल गिर गया है स्टिंग का। वहाँ पर सिर्फ दो जन है जो स्टिंग को टफ कंपटीशन दे सकते हैं और वो है क्रिस जेरिको एंड जॉन मॉक्सली। कोडी रोड्स भी कुछ नहीं कर सकता, कोडी रोड्स जो है वो WWE का एक बहुत बड़ा फेलियर है। उसके डैड जो थे वो बहुत ही बड़े लेजेंड थे डस्टी रोड्स, वो वॉनबी ट्रिपल एच है, जो ट्रिपल एच जितने महान रेसलर है वैसा वो नहीं बन सकता कभी भी। तो मैं यहाँ पर AEW के फैंस एंड जो सस्ते वाले स्मार्क्स है उन्हें यही कहना चाहता हूँ कि अगर तुम लोग को स्टिंग वहाँ पर आगे रेसल करे वो अगर चलेगा तुम्हें, और गोल्डबर्ग यहाँ पर आकर रेसल ना करे वो नहीं चलेगा, तो नेगेटिविटी मत फैलाओ और डबल स्टैंडर्ड मत फैलाओ। और दोस्तों आप लोगों को ऐसे भेदभाव डबल स्टैंडर्ड करने वाले लोग दिखे, गोल्डबर्ग के बारे में बुरा भला कहने वाले दिखे तो आप उन्हें बराबर जवाब दीजिए। तो दोस्तों आने वाले टाइम में काफ़ी मज़ा आने वाला है WWE में, जहाँ पर गोल्डबर्ग, ड्रू मैकइंटायर एंड रोमन रेंस, इन तीनों के बीच में हमें कोई ना कोई धमाकेदार एक्शन देखने मिल सकता है आने वाले टाइम में। तो आप सभी स्टे ट्यून्ड रहिए एंड एक्साइटेड रहिए इन तीनों के लिए। क्या हमें गोल्डबर्ग वर्सेस रोमन रेंस की मैच देखने मिलती है फॉर यूनिवर्सल चैंपियनशिप, या फिर रोमन रेंस एंड ड्रू मैकइंटायर का आने वाले टाइम में कुछ फ्यूड देखने मिलती है, ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसी लगी हमारी वीडियो, और मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए फर्स्ट क्या आप एक्साइटेड हैं TLC के लिए, सेकेंड आपके क्या रिएक्शन है गोल्डबर्ग, रोमन रेंस एंड ड्रू मैकइंटायर के इस ट्रेडिंग शॉट्स के ऊपर, एंड थर्ड आपके हिसाब से क्या ये राइट है कि स्टिंग को प्रेज मिल रही है कि वो आगे जाके कर सकते हैं रेसल AEW में, और गोल्डबर्ग को यहाँ पर हेट मिल रहा है क्योंकि वो अभी रेसल करने आ सकते हैं बहुत जल्द। तो गाइस प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल रेसलिंग बादशाह। पीस आउट।